गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। किसान परिवार में जन्म होने करके खेतों में ज्यादा रहते थे। वर्षा के दिनों में जैसे आम के पेड़ होते थे, उनसे फल खाते थे, वो वहाँ गुठलियाँ गिर जाती थी और वो आम के पौधे इतने प्यारे लगे आकर छोटे छोटे और नर जगह जगह उग जाते थे। तो हम उनको निकाल कर उनको वहाँ से निकाल के और दूसरे स्थान पर दूसरे खेतों में लगा दिया करते थे। बालक ने लगे रहते अपना काम। जब किसी पौधे की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल जाती तो यूँ क्या करते कि भाई इसकी जड़ तो राम ने देख ली, इब यूजा जब उगे को नहीं सूखेगा, और वो सूख जाता क्योंकि वो मिट्टी हट जाती। नए स्थान पर लगाते इतना हम प्रॉपरली उसको पानी नहीं दे पाते, कभी घेर दिया पानी, कभी ना डालते, वो सूख जाया करते। तो अब इन सभी पंथों की जड़ हमने राम ताई दिखा दी, इनकी जड़ दिखा दी, अब ये सारे सूख जाएंगे, जम को नहीं, अब नहीं उठ सकते ये, ठीक है और पाँच चार वर्ष पाँ पीट लेंगे, आखिर मैंने सरेंडर करना पड़ेगा कि हम कति धोखे में कर रहे थे और हमारे साथ धोखा हो गया और हम गलत ज्ञान प्रदान कर रहे थे, इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, ये जनता करवा देगी। जब श्रद्धालु जाग जाएंगे जिनका नाश कर दिया विश्व, अब रोते हुए आ रहे हैं बेचारे प्राणी को 25 वर्ष ने करा दा स्वामी बर्बाद कर दिए, कितने जोगे नहीं छोड़े, क्योंकि जब तक इस प्राणी के पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, वह बैटरी पहले शुभ कर्मों से चार्ज है, तब तक तो ये किसी भी पंथ में किसी साधना को कर रहा है वो पिछले पुण्य उसको मिल रहे हैं। वो सोच रहा है गुरु जी की दया हो रही है जिसकी अब मैं शरण में बैठा हूँ, और वो पिछले पुण्य हो गए खत्म, और फिर वो ब्रह्म माटी का दौर शुरू। अब नौके कति लुट पिट गए, घर में चौनी रही नहीं, उड़नरा दान कराया करते हैं और सारे शरीर में कष्ट, परिवार में ब्रह्म माटी किसी में भूता हुए, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ हो गया। अब कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10-10 वर्ष से अन्य पंथों में भरम भटक गए, अब यहाँ आ रहे हैं और इस तत्व ज्ञान को देख कर रो रहे हैं। एक भक्त बुजुर्ग आदमी ने बोला 35 वर्ष खो दिए मेरे उस राधा स्वामी पंथ में मैंने, और एक भक्त यहाँ 10-8-7 वर्ष से 5-6 वर्ष से आया हुआ है, वो उसको बार बार मिलता था कि बाबा जी माँ तुम बुजुर्ग तू यहाँ आ जा, मैंने मेरे को गुरुजी पूर्ण मिल गए, और वो उसको धमकाया करता कि तने नाश कर लिया, तने गुरु बदल लिया है, तने गुरु नहीं बदलना चाहिए था, तो बहुत गलती कर दी। अब वो बुजुर्ग आया रोता हुआ, ने बोला मैंने अपने कर्म फोड़ लिए कति, सारे शरीर में बीमारी 20 लाग गई, और यो भक्त मुझे कई बार मिला, मैं इस तक गुस्सा हो जाया करता, तू और चर्चा कर पर ये जिक्र मत कर, तू कित फंस गया इतने बड़े गुरु को छोड़ कर, अब मेरे कर्म फूट गए, मन मुझे वो दिन रोना आवे है, पहले आ जाता शायद मेरी दुर्गति ना होती। अब रोता रो रहा था, आख्या मत पानी नहीं सूखा बूढ़े आदमी के, तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा ने सारे तरीके बता रखे कि डरो मत कोई बात नहीं। कहते हैं जैसे अब वो कह रहा कि मैं तो 70 वर्ष से ऊपर उम्र होगी, 35 साल का लग गया था और 35 वर्ष वहाँ खो दिए, दान भी कराया, हर हफ्ते भी जाता था, फिर बुजुर्ग हो गया तो महीने 6 महीने में जाने लग गया, अब मेरा केरा होगा, अब मेरा क्या होगा, क्या मुझे मोक्ष होगा। पुण्यात्माओं घबराने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, कुएं में एक लंबी रस्सी बांध कर पानी निकालने के लिए एक जुगाड़ जोड़ा जाता है, और उस बाल्टी को रस्सी समेत नीचे डाल दिया जाता है, रस्सी को से बाहर खींच कर
वो जल बाहर निकाला जाता है। अब वो रस्सी काफ़ी दूर तक ले जाया करते पहले समय की बातें, तो वो रस्सी छूट जा हाथ से और वो बाल्टी कुएं में गिरने लग रही है और वो जा रही है स्पीड से, यदि भाग के दौड़ करके उसको पकड़ ले चाहे वह एक फुट की 9 इंच की ठा जावे लास्ट में, वह मिल गई न, वह हाथ में जब पूछड़ी आएगी तो समझ लो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आवेगी पानी भी भरा होगा। तो ये पूछड़ी यानी लास्ट समय में भी यदि परमात्मा कबीर जी का ये तत्व यथार्थ मंत्र इस दास से प्राप्त आपको हो गया, आपको मोक्ष, वैसे तो मोक्ष हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात नहीं, सच्ची श्रद्धा हो गणी डट कर कर भक्ति शीघ्र काम बन जाएगा। और बुढ़ा न तो काम बन रहा भक्ति का हो जाए, जान के पाँव फंसावा की तरह वह दूसरी बात है, नहीं तो तत्व ज्ञान लेकर यथार्थ मंत्र प्राप्त करके अपना भक्ति करे और पार हो जाएगा। मान लीजिए कोई दिक्कत रह भी गई तो नेक्स्ट मनुष्य जन्म तुरंत होगा, और ये जो ज्ञान है कबीर परमेश्वर का अब हजारों वर्षों तक चलेगा, इसमें एक या दो जीवन में आप कति पार हो जाओ। और जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, सच्चे हृदय से भक्ति जो है ना कर रहा है, तो इससे जन्म में दूसरा जन्म नहीं होगा। दूसरा जन्म तो हम कैसे प्राप्त करते हैं, उस जन्म में आपको इतना सुख हो जाएगा, आपको इतना सुख हो गया क्योंकि परमात्मा सुखदाई है, ये वो परमात्मा जो सुख सुख देता, दुख नहीं है इसके दरबार में, तो इतना सुख हो जाएगा आप फिर उन भगवान से दूर होने लग जाओगे और भूल पड़ जाएगी, काल के ना जाने कितने जाल हैं और उसका कोई दाव लग जाओ आपको यहां रखने के लिए, तो वो आदमी लास्ट में न्यो डूब जाएगा व्यक्ति, घना सुख होते हैं। तो हम यही अर्ज करते रहे, परमात्मा इतना सुख भी मत देना जिससे तेरी भूल पड़ जा, इतना दुख भी देते रहिए प्रभु तेरे से दूर ना हो जाऊं। परमात्मा कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो जिस ते ना मर दे ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा, इसे सुख का आग लगो जिस तो भगवान की भूल पड़े, और बलिहारी हो उस दुख के ऊपर जो मालिक याद करावे, इतना दुख भी दिए रखना परमात्मा, डर बना रहे कदे फिर फंस जाऊं काल के। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई तक वर्तमान के भक्ति से, और आगे श्रद्धा क्योंकि आगे घटेगी, जब दास यहाँ मौजूद है अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया, तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे, और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस तक। तो इसलिए इस समय को ज़्यादा नहीं बढ़ाना अपने। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता बने 33 करोड़, ये कौन है, ये वो पुण्यात्मा है जो कभी परमात्मा के चरणों में किसी समय में रही है, और एक श्वास की कीमत जो आपको यथार्थ भक्ति दी गई है पूर्ण संत से, इसकी कितनी कीमत है आप वर्णन नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, आप तो बालक हो लाल की कीमत से परिचित नहीं हो। एक सतनाम के एक श्वास, उस श्वास के सिमरण की कीमत 14 लोग चढ़ा दे उसके तुलना में तो भी वो कीमत सांस के सिमरण की ज्यादा है, और इतने सिमरण आप कितने करते हो दिन में, तो पार तो आसानी तो जाओगे लेकिन रहना मर्यादा से, और दृढ़ निश्चय रखना कि जो हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है ये फाइनल है, जो नाम दिया है ये यथार्थ है, भ्रमित मत होना। ये बार बार आपको यहाँ बुला के ये 2-2 घंटे 4-4 घंटे डेली सत्संग सुना के आपको उस रंग में रंगना चाहता है ये दास, के कोई आपको डगमग ना कर दे, आप सीधे मार्ग चलते रहो तो पहुंच जाओगे। ये कुमार्ग पर लगा देते नकली संत आपको बहका करके, आपका रास्ता बदल देते, फिर उस पर कितनी स्पीड से चले जाओ गलत जा रहे हो। तो इसलिए सत भक्ति करे और मर्यादा में रहे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार,
कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब जिसको भाषा भिन्न, कबीर अल्लाह, कबीर अग्नि, कबीर अमितौजा आदि, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर परमात्मा के ही नाम व उपाधि हैं। ये कौन कबीर? ये पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, ये वही कबीर परमेश्वर जी हैं जो बनारस में अर्थात काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 में एक शिशु बालक रूप धारण करके, शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। वहाँ से नीरुनिमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति परमेश्वर को अपने घर ले गया था। उसके बाद परमात्मा लीला में शरीर कर लीला करते हुए बालक रूप हुए। 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमेश्वर ने, लेकिन वो ढीठ इतने थे कि उन्होंने परमात्मा की उस लीला को ना समझकर, एक बालक जानकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। अब परमेश्वर ने वो ज्ञान उस समय इसलिए दिया था कि आने वाले समय में प्रमाणित हो जाएगा कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो उसी को आज वर्तमान में ये दास परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आप जी को ढेर सारे सदग्रंथ दिखाता है ताकि आप पारखू हो जाएं, ताकि आप पारखी हो जाएं। पारखी मीन जो परख करते हैं, जो परमात्मा को पहचान सकते हैं, उनको पारखी कहते हैं। जो मनमुखी बातें गढ़ते हैं, सदग्रंथों से विपरीत ज्ञान देते हैं, वो पारखी नहीं है। आप जी को पारखी बनाने के लिए दास ढेर सारे प्रमाण दिखाता है ताकि आप लाल और लालड़ी की पहचान कर सकें। पुण्यात्माओं, जब तक हम स्वयं परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं होंगे, हम स्वयं सदग्रंथों में नहीं झांकेंगे, तब तक हमें कोई भी विचलित कर सकता है, अपने मार्ग से हमें कुमार्ग पर लगा सकता है। अब कुमार्ग पर भटकते भ्रमतों को हमें असंख्य योग हो गए। हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं, जन्म और मृत्यु में हम पड़े हुए हैं। यदि हमें सुमार्ग मिल जाता तो हम अपने घर चले जाते। रस्ते में इन ठगों ने, बटपारों ने, नकली ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं ने हमारे को सुमार्ग से वंचित रखा। स्वयं परमेश्वर आकर के अपने घर जाने का वही यथार्थ रास्ता बताते हैं, यथार्थ मार्ग बताते हैं। उस परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के ज्ञान को इन अनाड़ी संतों, ऋषियों ने, मूर्खों ने हमें स्वीकार नहीं करने दिया, ये कहकर के कबीर अशिक्षित है, कबीर जी नहीं जानते सदग्रंथों को, गीता, वेद और पुराणों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़े हैं। परमात्मा के सामने कोई भी लैंग्वेज मायने नहीं रखती। परमात्मा सब भाषाओं के जानने वाले होते हैं। परमात्मा आत्मा की भाषा को भी समझ लेते हैं, अंतर्यामी होते हैं। अब यहाँ प्रश्न आ जाता है कि जैसे हम परमात्मा को साकार बताते हैं, अभी तक जो अज्ञान थ्योरी थी, अज्ञान सिद्धांत था, उसमें परमात्मा को निराकार बताया जाता था, और निराकार के साथ साथ सर्वव्यापक, कणकण में विद्यमान, अंतर्यामी यानी बाहर भीतर सब जगह वो विद्यमान है। अब वर्तमान में परमात्मा को साकार बताया जाता है तो मन में शंका उत्पन्न करते हैं वो जो पुराने सिद्धांत के, जो परमात्मा साकार है तो अंतर्यामी कैसे हो सकता है, वो अंदर की कैसे जान सकता है। पुण्यात्माओं, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक्सरे मशीन साकार है और अपनी शक्ति से अंदर की सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग को भी पहचान लेती है, उसको बाहर दिखा देती है।
वो अंतर्यामी है, बाहर होते हुए भी अंतर्यामी है। अंतर्यामी जो अंदर की जान ले उसको अंतर्यामी बोलते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है, पावर है, वो इन यंत्रों से कहीं असंख्य गुना अत्यधिक है और ज़्यादा सफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, एफिशिएंट है। तो उस वो अंतर्यामी साकार होते हुए अंतर्यामी है, अंदर की बातों को जान लेता है। उस परमेश्वर ने आकर के यहां के दुख गिनवाए कि तुम कितने दुखी हो, लेकिन आपने इन्हीं दुखों को सुख मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प नहीं आपके पास, इसका कोई अल्टरनेट नहीं मिला आपको, तो आपने इन दुखों को ही सुख मानकर इसी में अपना जन्मते और मरते रहे और संघर्ष करते रहे। इस मन को यदि हम यथार्थ ज्ञान देना चाहें तो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये काल ब्रह्म का एक अंश है, एक दूत है इसका। ये चाहता है इस जीव को इतना भ्रमित रखो, भगवान से दूर रहे, माया के चक्कर में पड़ा रहे, यही संसार की संपत्ति और संतान में ही उलझ पुलझ रहे, और जब ये थोड़ा सा कहीं फुर्सत प्राप्त करे, इसको थोड़ा सा भी अवकाश मिले तो मन में पता नहीं ये अपने आप क्या क्या सोच उठा देता है। कोई टीवी ऑन कर ले, अब देखो अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, और इस बिचली पीढ़ी में सभी भक्त पार हो गए जो इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके इस दास से उपदेश ले लेंगे। परमात्मा ने पहले ही कहा था कि बिचली पीढ़ी में हम सबको पार करेंगे जो हमारी शरण ग्रहण करेगा। तो काल ने कैसा जाल फैला दिया, अभी 20-30 वर्ष से कितनी साइंस ने तरक्की कर दी, कितने टेलीविजन बना दिए, और कितने ऊपर बना दिए आकाश के अंदर, कितने बना डाले हैं, और इतने चैनल बनवा दिए, नाना प्रकार के फिल्मी गाने, एक बकवाद कितनी चलवा दी, और मोबाइल फोनों में फिल्म, इनमें गाने किमें भर लो। कहने का भाव ये है कि मन की पूरी खुराक उलेड दी और आत्मा की खुराक कति बंद कर दी। कैसे बंद कर दी, कि आत्मा की खुराक तो है परमात्मा की भक्ति, पुण्य दान, अच्छे कर्म करने को दिल करता है, आत्मा चाहती है, और मन की खुराक है नाचना गाना, बकवाद सुनना, निंदा चुगली, और फिर बीड़ी शराब मांस तम्बाकू घुटी सूटी, और ऊंचे ऊंचे महल बनाना, कोठी बना लेना, बढ़िया लंबी कार खरीद लेना, ये है मन की खुराक। आत्मा की खुराक है सत्य भक्ति, सुक्रम, पुण्य दान, तो वो खुराक, वो आहार समाप्त हो गया, आत्मा मुसगी, कमजोर होगी, वीक होगी, और मन पूर्ण रूप से ये तो पड़ गया, ये बड़ा तगड़ा हो गया, अब ये आत्मा की नहीं चलने देता। अब जैसे प्रत्येक प्राणी सब कुछ सुन लेता है, एक फिल्मी गाना कितना ही प्यारा लगता हो, अच्छा लगता हो आपको, उसको आप 4-5 बार सुन लेती, फिर सुनने दिल नहीं करे, फिर नया चाहोगा कोई और नई ट्यून आ जावे, तो इस मन की ये बकवाद है। इनमें आनंद नहीं, बनावटी आनंद है, बनावटी वस्तु में आनंद नहीं होता। तो ये मन उन वस्तुओं को खोजता रहता है जो आनंद में नहीं है, और ये उनमें आनंद मानता है, ताकि इस जीव का मनुष्य जीवन बर्बाद करवा दिया जावे। अब वर्तमान में कोई साधना करता है, पुण्यात्मा जैसे सारा कुछ कर लेता है, फिर उन जो बनावटी यहाँ के साजबाज गाने बजाने, इनसे फिर एक दिन यो मन छक भी लेता है,
फिर आत्मा सोचती है कि कोई अच्छे काम करें। जब ये आत्मा कोई शुभ कर्म करने को चलती है तो इसको दिशा ठीक नहीं मिलती, तो जो दान करना चाहता है कहीं पर कोई मंदिर बनवा देता है, 20-30 लाख रुपये ला दिए, और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा देता है, अपनी सब इच्छा से मनमाना आचरण किया जा रहा है, और कहीं पर थोड़ा बहुत जो भंडारा करता है वो भंडारा करा देता है कर देता है, तो वो साधनाएं जो ये करता है शास्त्र विरुद्ध है। और किन्हीं संतों के पास जाकर के परमात्मा प्राप्ति की चेष्टा करता है ये आत्मा, तो वो संत नकली, ये काल के दूत सारे, इनके पास ना यथार्थ ज्ञान है, ना वे ऑफ वर्शिप सही है, पूजा की विधि भी उनकी ठीक नहीं है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी मनगढ़ंत कहानी बना रखी उन लोगों ने। तो ये आत्मा उनका जा फंसी, वो काल के दूत गुरुओं के। अब जब तक इसको यथार्थ मार्ग नहीं मिलता, वो सच्चा सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता भक्ति का, तब तक ये आत्मा भटकती रहती है। अब जैसे भक्त आत्मा कोई किसी पंथ में 10 वर्ष रहा, कोई सुविधा मिली नहीं, फिर दूसरे पंथ में पहुंचा, 5-4 वर्ष वहां रहा, वहां भी आनंद नहीं आया, फिर तीसरे पंथ में पहुंचा तो वहां भी कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर क्या करता, वो नास्तिक हो जाता है, कहता भगवान कहीं नहीं है, शराब पीने लग जाओगा, संसारिक लोगों से भी गिरावट में आ जाएगा। तो फिर अन्य लोगों जो भक्ति से दूर हैं, जो भगवान सत्संग में नहीं आते, उन व्यक्तियों पर उस एक व्यक्ति की ऐसी छाप पड़ेगी कि देखियो भगत भी नाम ले रख्या है, सारे उल्टे काम करे, गुटी लावे, चोरी भी यो 2 नंबर का काम करे, अब क्या करे वो प्राणी। परमात्मा से हम सर्व सुख की आशा करते हैं क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है, परमात्मा इस प्राणी को रंक को राजा बना दे, कोढ़ी को स्वस्थ कर दे, और लुल्ले लंगड़े को पैर दे दे, वो पर्वत पर चढ़ा दे, परमात्मा निर्धन को धनवान बना दे, ऐसा दरोग को भगवान काट देता है, प्रारब्ध कर्म में जो कष्ट होते हैं उनको भी प्रभु नष्ट कर देता है, ऐसा उसके गुण हम सुना करते हैं। इसलिए परमात्मा की तलाश करते हैं, खोज करते हैं कि भगवान मिल जाए तो मेरा जीवन सफर आसान हो जाए, लेकिन परमात्मा कैसे वो लाभ देता है, वो विधि प्राप्त ना होने से, तो ये आत्मा थक गए और नास्तिक हो जाती है। मन ये काल यही चाहता है कि ये जीव इतना भ्रमित हो जा, इसकी आस्था भगवान से उठ जा, ऐसे दूत भेज देता है काल। अब जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, बुद्ध महात्मा बुद्ध जो था, उसने जो हठ योग किया उससे भगवान मिला नहीं, क्योंकि वो वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, सदग्रंथ नहीं थी वो। फिर उस महापुरुष ने अपनी थ्योरी बना दी कि परमात्मा कहीं नहीं है, उसने केवल एक लाइटनिंग यानी प्रकाश देखा बस, उस पूर्व जन्म का अच्छे संस्कारी था, तो उसने अपने ही सोच से जो साधारण सी शिक्षाएं थी वो जन साधारण को बोलना बताना शुरू कर दिया। और ऐसी पुण्यात्मा पूर्व जन्म की अच्छी आत्मा होती है, उसके वचन में शक्ति होती है, उनके वचन की शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि बहुत सारे राष्ट्र बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, पूरा चीन, रूस, अब वो परमात्मा की तरफ चले थे, बुद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो भगवान की चाह में उससे जुड़े थे। अब कुछ समय के बाद वो भगवान से लाभ मिले नहीं, वो अब कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कति नास्तिक हो गए। वही बुद्ध धर्म ने पवित्र भारत वर्ष के अंदर पैर फैलाने शुरू किए थे, लेकिन यहां उसकी दाल गली नहीं, क्योंकि भारतवर्ष
ऋषि महर्षियों और परमात्मा की प्यारी आत्माओं का केंद्र रहा है। उसी समय क्या हुआ कि आदि शंकराचार्य जी ये भगवान शंकर ने भेजे हैं, और आदि शंकराचार्य जी ने छोटी आयु में 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, और वेद जैसा भी उन्होंने सदग्रंथों को जाना, संस्कृत आदि को कंठस्थ याद कर लिया, और उन्होंने बुद्ध धर्म को रोकने के लिए एक बहुत अच्छी प्लान बनाई। उसमें 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए, कोई तो पहाड़ों पर जा कर के जहाँ वो बुद्ध धर्म के मठ हैं उनके आसपास रहे और हिंदू श्रद्धालुओं को वहाँ भ्रमित होकर आए, उनको यथार्थ अपना ज्ञान देवे, उनको गिरी कहने लगे। जो नगरों में जाकर के नगरियों में जाकर जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म के वो मठ थे उनके आसपास जाकर के अपने सदग्रंथ इन पुराणों आदि का वो प्रचार करने लगे, उनको पुरी कहने लगे। ऐसे जंगल में जाने वालों को अरण्य कहने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने हजारों की संख्या में सन्यासी बनाए, भगत वो साधु बनाए, उनको कहा कि इस बुद्ध धर्म को हिंदुस्तान में फैलने से रोको, और वो सफल हुए। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, उनमें एक एक प्रधान बना दिया। तो ये एक बहुत अच्छी देन थी आदि शंकराचार्य जी, और वो 32 वर्ष की आयु में ही शरीर छोड़ गए थे। अब पुण्यात्माओं, आदि शंकराचार्य जो थे वो शंकर भगवान के उपासक थे, और पार्वती माता को अपने इष्ट देवी मानते थे और शंकर भगवान के वो उपासक थे। ये तमोगुण शंकर के जैसा भी, लेकिन उन्होंने ये एक अनमोल काम किया कि भारतवर्ष को नास्तिक होने से बचा लिया। और अब वो फिर परमेश्वर कबीर जी आते रहे, क्योंकि परमात्मा चारों युगों में आते हैं, एक प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन लीला करते हैं कि जैसे पूरे मनुष्य का जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जीवन जीते हैं, एक लीला करते हैं मनुष्य जैसे जीवन की, उसी तरह वो काम करके अपना रोजगार करके खाते हैं। हमें बच समझाने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाना या पहाड़ पर चढ़ जाना कोई आवश्यक नहीं है, अपना जैसा तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है उसको करते हुए, परमात्मा का यथार्थ नाम जाप करते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा, ये आत्मा परमात्मा की तरफ अग्रसर होती है, लेकिन ये काल के दूत इसको भ्रमित करके अपने ही जाल में फंसा कर रख लेते हैं। अब आत्मा इतनी वीक होगी, इतनी कमजोर होगी कि ये परमात्मा के अब यथार्थ ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि इतनी भ्रमित हो चुका है ये जीव के सब अप अपनी थ्योरी बताते हैं, अपने अपने इष्ट को ऊंचा बताते हैं, बड़ा बताते हैं, यानी सैकड़ों प्रकार के शंका प्रश्न मन में उठने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आप ज्ञान को सुनते रहोगे, तत्व ज्ञान को सुनते रहोगे, तो आपका सब संशय नष्ट हो जाएंगे और आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान की। जब आप सुनोगे ही नहीं तो ज्ञान कैसे ग्रहण होगा, नकली और असली की पहचान कैसे होगी, आपको धैर्यपूर्वक सत्संग सुनते रहना होगा। इस दास का उद्देश्य है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से भ्रमित ना हो करके एक तत्व ज्ञान पर, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर रुक जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तू भगत बनेगा। जब तक आप भ्रमित हैं, आपको यथार्थ ज्ञान है नहीं, दृढ़ विश्वास हुआ नहीं, तो आप सुमार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये काल के दूत
इनकी बोलन की शैली इतनी अच्छी, पता नहीं किस प्रकार तक आपको डगमग कर डालते हैं। तो इसलिए दास चाहता कि आपको लाल और लालड़ी की पहचान करा दूं और आत्मा को फिर बलवान बनावें और मन को अक्षीण कर देंगे। कैसे होगा? एक समय गरीबदास साहेब जी, जिसको परमेश्वर मिले, कबीर परमेश्वर जी, वो किसान जाति में थे, किसान वर्ग में, किसान जाति में, जाट जाति में जन्म था गरीबदास जी महाराज। उनका धनखड़ गोत्र था, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत। उनका मूल स्थान झज्जर, गांव छुड़ानी जिला झज्जर में है। उनको परमेश्वर कबीर देव जी सतलोक से आकर मिले थे। उन्होंने बताया था कि मैं वही हूँ जो बनारस में 120 वर्ष तक एक लीला करके गया था, मैं पूरी सृष्टि का रचनहार हूँ। तब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर महिमा में कहा है, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का उस भगवान के एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत और पुरुष माने परमात्मा प्रभु। वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार, यानी सबके रचने वाले, सबके बनाने वाले वो परमात्मा कबीर हैं। तो किसान जाति में पहले बैलों से खेती होती थी। एक गरीबदास जी का एक शिष्य बना किसान और सत उपदेश लिया, अपनी भक्ति करने लगा। कहने फिर कुछ दिन के बाद कहता है कि प्रभु ये मन जो है बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हैवी है, ये आत्मा की चलने नहीं दे रहा, कोई तरकीब बताओ भगवान, कोई विधि बताओ। परमात्मा ने कहा कि तेरे पास दो बैल हैं, अखान जी दो बैल हैं, तो उनमें से एक बैल दूसरे बैल से तगड़ा है। अखान जी तगड़ा, काफी तगड़ा है। तो वो क्या करता है जब तू उसको चारा चराता है तो क्या करता है? तो उस किसान ने, शिष्य किसान ने गरीबदास जी को बताया कि वो जो तगड़ा बैल है वो उस कमजोर बैल को, उस निर्बल को आहार भी नहीं करने देता, ऐसे फूफा करके उसको दूर हटा देता है। तो परमात्मा बोला फिर तू क्या करता है कि मैं साथ बैठ कर, क्योंकि खेतों में एक टोकरा होता है, उस टोकरे में दोनों को एक चारा चराया जाता है एक ही पात्र में, कि मैं डंडा लेकर साथ बैठ जाता हूँ और वो उसको मारता है तो उसको डंडा दिखा देता हूँ, तो फिर वो दूसरे कमजोर बैल को चराता हूँ, खाना चार कराता हूँ, चारा चराता हूँ, और घर पे आकर के उसको इतना टाइट बांध देता हूँ कि उस तक उसका शीश ना जावे। तो परमात्मा बोले ठीक इसी प्रकार इस तेरे शरीर रूपी इस हल में दो बैल जुते हैं, एक मन और एक आत्मा। अब मन तो इतना तगड़ा हो गया, इसकी सारी खुराक दे रखी है, रग नहीं सुनना, ओक्का पीना, कि तक गप्पे मारना, ताश खेलना, राजनीति की बतलाना, चल रिश्तेदारी में घूम कहाँ, मित्र से मिलकर आते हैं, पिकनिक मना कर आते हैं, और भाई वो तने तूने वो मन पाल दिया, तगड़ा बना लिया, और आत्मा की खुराक रही को ना। आत्मा की खुराक क्या है? भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म, दान धर्म। आप पुण्यात्माओं एक बार जब दान करोगे 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10000, उस दिन आपकी आत्मा कितनी खुश, कितना प्रसन्न चित रहोगे, एक न्यारी खुशी, न्यारी शक्ति मिलती है आत्मा को। और आप कितना धन जोड़ लो, दो नंबर का काम कर लो, कति आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, घिघी बंदी रहेगी, कोई न कोई और समस्या आ पड़ेगी। तो परमात्मा ने कहा कि आपने मन की खुराक गणी कर रखी है, आत्मा की खुराक तूने बंद कर रखी है।
आत्मा की खुराक भक्ति क्या करते थे हम पहले, सातवें दिन एक दिन तो हनुमान का व्रत रख लिया करते मंगलवार का, और शाम ने हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी फटाफट कर फिर चल भाई चलते, एक आली सुख एक ज्योति जगाते थे, वह घी में आधी भीगी होती थी आधी सूखी, और उसको लगा देते थे दीप में जगा देते थे, वो हनुमान चालीसा पूरा नहीं होता था इतने वह बुझ लेती थी, और ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे फटाफट उसना करते थे इतने भी बुझ लिया करती सुबह वाली तो, और शाम की वो हनुमान चालीसा करते इतने, यानी ये थी हमारी पूजा की विधि। और सातवें दिन सवार पिएगा प्रसाद बूंदी बांट दिया करते, ये हम भक्ति करते थे और ये दान करते थे। अपुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागे ही जब लग धसे निआब। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने भगवान जैसा भक्ति करी जैसा दान किया उतना ही उसे लाभ मिलेगा। ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे निआब, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, ओस चाटने से मनुष्य की प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो एक गिलास पानी का गट 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 एक दो गिलास पीवेगा जब प्यास बुझेगी। तो जो हम साधना करते थे वो ओस चाट रहे थे, अब ये साधना हमें मिली है, ये वो गिलास के गिलास पीवे यहां देख रहा हूं पुण्यात्मा। दसवें दिन सत्संग शुरू हो जाता है, कितनी उम्र करा रहे हैं। परमात्मा की जब यथार्थ भक्ति हमें मिल जाएगी गर्म बरकत होगी, आपके धरे धरे पैसे बढ़ने लग जाएंगे कुछ दिनों में, नुकसान की दबात बहुत सौ कोस दूर हो जाएंगी। तो वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आप रहम करता है, आपको इतने इतनी बरकत देगा, आपके इतने दुख दूर कर देगा, और फिर प्रेरणा देगा कि बेटा बेटी अब कुछ दान कर लें, मन में ऐसी प्रेरणा देगा कि अब कुछ दो हाथ भी छोड़ दें, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज ये बालक बीमार हो गया था, मन माना 20,000 में डॉक्टर का पीछा ना छूटे, और वो परमात्मा की कृपा से एक जोत बोलन तक ठीक हो गया। फिर कुछ दिन के बाद मन में आवागीर कुछ पाठ भी करवा दे, तो पुण्यात्माओं कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुनो निकाल। अब हमने दान करण की पहले तो नीत नहीं थी, और नीत होती तो विधि ठीक नहीं थी, वो किया हुआ दान हमें प्रतिफल नहीं देता। अब आप दान करके देखियो, परमात्मा कहते चारों युगों में देख लो हमने किसका राख्या मार, हमने चारों युगों में देख ले जिसने भी जिस इष्ट पर सच्चे दिल से जो कुछ दान किया है विधिवत, हमने किसका राख्या मारे। द्रौपदी ने एक 9 इंच का साड़ी का टुकड़ा चढ़ाया था एक अंधे महात्मा को, और इतना चीर बढ़ा दिया दुशासन जैसे दुष्ट, वो खींच खींच कर ढेर लग गया, वो चीर खत्म नहीं हुआ। अब सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल श्री कृष्ण जी को भेंट किए थे, उनका महल बना दिया, धन दे दिया। कबीर परमेश्वर जी को तैमुरलंग नाम के एक गडरिये ने, एक लुहार ने एक रोटी खिलाई थी, 7 पिड्डी का राज दे दिया परमेश्वर ने। अपुण्यात्माओं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जा वह जाते गजराज। कहने का भाव यह है कि हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं साधना करते हैं उसकी जितनी सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार वो लाभ आपको अवश्य देगा। जैसे आपकी दोस्ती किसी एसएचओ तो होगी थानेदार थे, तो वो आपको थाने लेवल का लाभ तैसा दे देगा, वहां किसी की हिम्मत नहीं थाने में जान की, और आपको जाके कुर्सी पर बैठाओगा चाय पिलाओगा और कोई उसके लेवल का काम होगा वही बैठे बैठे कर देगा। तो उस कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जा बह जाते गजराज,
जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है, बहुत जबरदस्त फ्लो है, ऐसे ऊंचे से पानी गिरा, मछली नीचे से आकर उस जल में नो नो कर करके ऊपर पहुंच जाती है। उस प्रभाव, उसको पानी उसको बहाता नहीं, उसको फरी छोड़ रखा है, क्योंकि पानी मछली का जल से विशेष प्रेम है, वो उससे बाहर होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। तो ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम आपका जिस भी इष्ट में है, वो फिर आपको अनहोनी करने देगा, आप कितने गुमो, आपको फरी छोड़ देगा। इतना जैसे कहते हैं ऊपर से गिरता हुआ जल, वो जल प्रवाह गजराज माने हाथियों में सबसे तगड़े हाथी को भी बहा ले जा सकता, ले जाता है, और मछली पतली सी होती है और वो उसके उल्टे विपरीत दिशा में ऊपर पहुंच जाती है। तो अभी हमने इस अतिथि को समझना, जैसे श्री कृष्ण जी को सुदामा जी ने चावल दिए थे एक मुट्ठी बुने हुए, और श्री कृष्ण जी ने उसका मैल बना दिया, धन दे दिया, इतना सामर्थ्य श्री कृष्ण जी में था। लेकिन श्री कृष्ण जी का ना तो स्वयं जन्म मृत्यु समाप्त हुआ और न ही कर्म का दंड मिटा, तीन ताप भी श्री कृष्ण जी के नहीं मिटे, उपासकों के मिटेंगे, कटेंगे कहां से। तो ऐसे ही इसकी तुलनात्मक आगे कबीर परमेश्वर जी को एक तैमूरलंग नाम के लोहार ने, मुसलमान लोहार ने, एक रोटी खिलाई थी परमात्मा, जिंदा महात्मा रूप बना करके उनके नगर के बाहर जंगल में, जहां वो तैमूरलंग भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां पहुंच गए। और तैमूरलंग की मां खाना लेकर आएगी, साधु को एक रोटी खिलाई कबीर परमात्मा ने, को कबीर परमात्मा ने खाना खा रहे थे तो माई ने कई बार प्रार्थना की, हे भगवान हम धनी हो जाएंगे, हम बहुत निर्धन हैं, हमारा गुजारा भी नहीं होता है, कई बार तो भूखे सोते हैं प्रभु। परमात्मा ने खाना खा कर, और वहाँ बकरी बांधने की एक बेल पड़ी थी चैन लोहे की, संगल बोल रहे उसने, उसको छोटी सी बना ली, चार पांच बार मोड़ कर, एक रोटी खाते ही इतनी को होगी वह, तीन चार बार मुड़ कर। फिर क्या किया परमात्मा ने, उसके सात संगल मारी वह नू लड़के, उसके तैमूरलंग जो 17-18 वर्ष की आयु का था, उसकी कमर में जैसे एक रस्सी होती है ना, रस्सी को तीन चार बार मोड़ ले तो वह इतनी को बन जाती है, ऐसे ही लोहे की एक संगल सी थी जो बकरी बांधन की, पतली सी बेल होया कर चैन, तो उसको चार पांच बार मोड़ के इतनी बन गई, उसको एक दो तीन ऐसे सात मारी उसके कमर पर, और फिर लात मारी और मुक्के मारे। अब बुढ़िया ने सोचा कि महात्मा तो मेंटल था, ये तो पागल था, और मैंने इसको ज्यादा बार कह दिया कि हमें धन दे दो, हम दुखी हैं, शायद इस कारण से यो चढ़ गया। तो माई ने पूछा, हे महात्मा जी मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी क्या, आपने इसको पीट डाला। परमात्मा बोले, बेटी बेटी तेरे बेटे को मैंने पीटा नहीं है, जो पहले इसका सात बार सांगल मारी है ना बेल, ये सात पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे को, और फिर ये लात गुस्से मारे है ना, उसके बाद तेरे राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक सात पीढ़ी ने राज किया, औरंगजेब के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में वो राज्य बट गया, ये इतिहास प्रमाण है। अपने आत्माओं देखो, अब तैमूरलंग ने राज भी प्राप्त कर लिया, बकवाद को राज प्राप्त होने के बाद तो निरी बकवाद करेगा, करा कितनी जीव हिंसा करता है इंसान। फिर परमात्मा दोबारा मिले कि कुबद्दी, अब छक लिया धन से या कुछ रह रही है कसर तेरे में। तब उसने कहा, शिकार में बाहर मिले परमात्मा, फिर तब उसने चरण पकड़ दिए, ज्ञान ग्रहण किया, दोबारा उपदेश लिया और त्याग दिए वो सब हिंसाएं, सब जुल्म करने छोड़ दिए। फिर तैमूरलंग को परमात्मा ने मोक्ष भी दिया,
और सात पिंडी का राज भी दिया। श्री कृष्ण जी जो विष्णु अवतार थे वो एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, तो मंत्री सत्र का जो लाभ है मंत्री दे सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री सत्र का लाभ मंत्री राज्य का मंत्री नहीं दे सकता। तो परमात्मा को तो समझो पूरे ब्रह्मांड असंघ ब्रह्मांडों का प्रधानमंत्री, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री, ये भी राहत दे सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा कबीर जी दे सकता ये 7 जन्म नहीं दे सकते, 100 जन्म नहीं दे सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो जाकी सरना बसे और ताको ताकी लाज, जल सुही मछली बह चढ़ जाती और वहां बह जाते गजराज। ऐसे पानी जा रहा है तो मछली नीचे से ऊपर आ जाती है, उसको इतना फरी छोड़ रखा तू कितने घूम फिर, तुझे कोई रोक टोक नहीं है। और वहां हाथी के पैर फिसल जाते हैं उस बहाव में, हाथी बह जाते हैं इतने तगड़े तगड़े हाथी भी। तो ऐसे हम जिस भी इष्ट की पूजा करेंगे, लेकिन प्यार इतना हो, लगाव इतना हो जैसा जल का मछली से होता है, मछली का जल से, ऐसे हम जिस इष्ट में इतनी श्रद्धा रखेंगे, अनन्य भाव रखेंगे, तब वो इष्ट हमें इतना ही लाभ देगा। तो अब हमने इष्ट सेलेक्ट करना है, अब हमने भगवान चुनना है कि किस परमात्मा से हमें क्या लाभ होगा। इसको पारखु कहते हैं, पारखी कहते हैं, इसको परख करना कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने उस परमात्मा को चुनना है जो हमें पूर्ण मोक्ष दे, सदा के लिए जन्म मृत्यु के झंझट से खत्म बचा दे। अब क्या बताते हैं कि चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मार, आप दान करते हो और आपको तुरंत लाभ देता परमात्मा, क्योंकि भगवान तो दाता है और हम वो हमें कुछ निमित्त बनाकर ही देता है। देखो प्राणी जब दुखी होता है उसके पुण्य समाप्त हो चुके होते हैं, क्योंकि पुण्य जब तक रहते हैं आप पर कष्ट नहीं आता, पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पाप कर्मों का दौर शुरू हो जाता है। जैसे आप पूर्व जन्म की जो संस्कार थे वो अच्छे संस्कार चलेंगे ठीक, तब तक तो आप सुखी नजर आओगे, घर में भी सुख सारा आनंद, संतान भी ठीक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई रोगी नहीं। और जिस समय वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, चार्जर अब लगा नहीं रखा, तो वो इन्वर्टर जब तक वो बैटरी चार्ज है, जितनी अक्षमता है उनकी, तब तक तो पंखे भी चलेंगे, बल्ब भी जल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है, और फिर एकदम सब लाभ मिलने बंद हो जाएंगे, वो इन्वर्टर डाउन हो जाएगा, ना पंखा चले ना ट्यूब जले और न ही कोई कूलर चले, यानी वो आपत्ति आएगी। इसी प्रकार आपके पूर्व जन्म की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी, शुभ संस्कार समाप्त हो जाएंगे, आपने आगे सत भक्ति मिली नहीं, वो चार्जर लगा नहीं, तो एकदम आपत्तियां आ जाती है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कबीर जी के पास आप आते हो इस दास के माध्यम से, उसकी पावर से ये दास कनेक्शन दे देता है, मैं तो उसका लाइन मैन हूँ, उस पावर के, उस परमात्मा की पावर से आपका कनेक्शन जोड़ दूंगा, मुझे पावर है वो जोड़ने की, और को अधिकार नहीं है, कोई जोड़ नहीं सकता उससे। तो दास का इतना काम है कि आपका तार परमात्मा से जोड़ देता हूँ और फिर उसकी मर्यादा बताता हूँ कि ऐसे ऐसे रहना, नहीं तो बिजली आपको ही हानि कर देगी। तो जिसमें आपका कनेक्शन मालिक से मिलते ही आपके काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये मत समझना कि बैटरी चार्ज होगी। अब जैसे इन्वर्टर का लाइट आएगी तो उस लाइट से आपका काम शुरू हो गया, लेकिन वो चार्ज होने में समय लगेगा। ऐसे ही परमात्मा आपको आते ही पहले अपने कोटे तक, जो आपके भाग्य में नहीं है, आपके पुण्य में पुण्य भी नहीं है, अपनी तरफ से अपने कोटे तक देगा कुछ राहत, फिर आपकी आपको विश्वास होगा कि सचमुच भगवान है, और फिर आपकी रुचि बनेगी प्रभु की तरफ, फिर आपको यह ज्ञान दिया जाता है कि देते को हर देते जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुना निकाल, तो फिर आपको तैयार किया जाता है, फिर आपकी रुचि बनती है, इतने सुख देख करके फिर पुण्य शुरू कर देते हो, फिर उन पुण्यों के प्रतिफल से आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख,
और बहुत लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब पहले परमात्मा आपको इतना सुख देगा और फिर प्रेरणा देगा कि आज तो इबकत पाठ कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और पाठ करा दिया तो भगवान राखता नहीं, हजार गुना करके आपको वापस देता है। क्यों? परमात्मा कोई भिखारी थोड़ा है कि हम उसको दान कर रहे हैं, वो हमारे लिए बैठा है, वो तो आपके इस तरीके से पुण्य बनवाता, अधिक बढ़वाता है और फिर अंदर से प्रेरणा करता है कि दान करूं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झान झनकारा, आप नजे आप देखण हारा, करे करावे साइया मन में लहर उठा, अदा दूसरे दर्जीव कह वो आप बगल हो जा। सारा काम अब कबीर परमेश्वर करेगा आपका और आप में प्रेरणा करेगा, मन में लहर उठाओगा ये कर दूँ, ये शुभ शुभ लहर उठेंगी, अब बुरी नहीं आपके मन में आऊंगी, कुछ दिनों के बाद कति खत्म हो जाएंगी, पुण्य की तरफ नीत रहेगी या भक्ति भजन में आप इतने लीन हो जाओगे कि ये सुबह शाम की आरती मंत्र ये ना पूरे हो दे। और बकवाद करण की तो सोचने का समय को नहीं मिला आपने, या तो अपना काम करोगे संसारिक उससे फुर्सत होते नहीं रहेगी, सुबह का नित्यनियम रहेगा, आरती रहेगी है, रमेणी करनी है, मंत्र करने हैं, सांस का सुमरण ना होया तो इतना खुराक दे देगा भगवान आपको, इस आत्मा की खुराक इतनी मिल जाएगी कि थोड़े ही दिनों में पहलवान बन जाएगी। और मन इतना वीक हो जाएगा, यू बकवाद तो करेगा थोड़ी बहुत पर इसकी पार नहीं बसाओगी, क्योंकि इस तत्व ज्ञान रूपी रस्से से इसको इतना टाइट बांध दिया जाएगा कि हानि नहीं कर सकेगा, ये चोरी नहीं कर सकता, फिर ये ठगी की प्रेरणा नहीं कर सकता, बकवाद मन में नहीं, आगे तक आत्मा करण नहीं दे वो ज्ञान अट जाएगा, ऐसा जुल्म करे फिर भोगना पड़ेगा, ऐसे टांग कट जाए, आँख फूट जाए, क्या क्या जुल्म होगा हमारे साथ, कुत्ते गधे बनेंगे। तो फिर ये ज्ञान उस मन को इतना टाइट बांध देता है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूफा चाहे यो करता ही रहे हानि नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा का लाभ लेना है, अपनी आत्मा का उत्थान करना है, अपना उत्थान करना है, आत्म उत्थान। उसका तरीका यह है कि परमात्मा की भक्ति गुरु जी के आदेश अनुसार करे, सत्य भक्ति करे और पूरे विश्वास के साथ करें। विश्वास जब होगा तब होगा जब हम स्वयं परिचित हो जाएंगे कि गुरुदेव जो ज्ञान दे रहे हैं जो 100% सही है। ये विश्वास होगा कैसे? अधिक सत्संग सुनने से, और साथ के साथ ये प्रमाण जो दास आपको देता सदग्रंथों को आंखों देखने से। फिर आपको इतना दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि आप किसी के डगाए नहीं डग सकते, आप लाल और लालड़ी की स्वयं पहचान करने लग जाओगे। अपुण्यात्माओं, परमात्मा ऐसी प्रेरणा करता है हमारे अंदर, जैसे सत्संग निकट आता है तो मन अपनी अटकलबाजी शुरू करता है, ये काम रह गया अब कैसे हो जाएगा, अगली बार देख लेंगे, अब उसके टाल कर देते हैं। तो कुछ देर के बाद आत्मा में वो ज्ञान आकर हिलोर उठती है, प्रेरणा आती है, लहर उठती है, कह रहे परमात्मा से तो हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे सारे काम ठीक करेगा, और आप वहाँ बैठे हो, आपकी भैंस मरगी बैठे बैठे, बता आपने के बचा लिया, 50,000 की भैंस मरगी, बता आपने के सारा कर लिया यहाँ ना आकर के। कहने का भाव ये है कि वो पैसे भी बर्बाद, भैंस भी गई और वहीं बैठे बैठे नुकसान हो गया, और परमात्मा के चरणों में आवेंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टड़बला, अर्जय मस्तिक में सूढ़ी होवा कांटे में टल जा, ये विधान है प्रभु का। अब आदमी बीमार हो जाता है, काम भी छूट गया है, पड़ा रहा उसमें हॉस्पिटल में, 15 दिन में छुट्टी मिली, 50,000 रुपये लाएगी,